पहली न्यूज पढ़ते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल में ही किस संस्था द्वारा एक 10 प्रिंसिपल या एक गाइडलाइन इशू करी गई पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, विकलांगों के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकलांगों के लिए भी हाल में ही किस संस्था द्वारा गाइडलाइन इशू करी गई, इसका आंसर क्या होगा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एवर गाइडलाइन ऑन द एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्लियर, पीपल विद डिसेबिलिटीज का मतलब क्या, ऐसे लोग जो विकलांग हैं। कितने पॉइंट हैं गाइडलाइन में, कितने सिद्धांतों पर आधारित है ये गाइडलाइन, 10 प्रिंसिपल पर। स्क्रीन ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, 10 प्रिंसिपल पर बेस्ड गाइडलाइन है, क्लियर। और किसने इश्यू करी है, यूनाइटेड नेशन ने करी है। किसके लिए करी है, पीपल विद डिसेबल्स के लिए करी है, ऐसे लोग जो विकलांग हैं उनके लिए करी है, क्लियर। अब देखो, अगर आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपसे यही दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका टारगेट यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आपको ये 10 पॉइंट भी याद रखने रहेंगे कि ये जो 10 प्रिंसिपल हैं ये क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप देखो, 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, Principle 1, 2, 3, 4, 5, और इसको जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही याद रखना है। जैसे पीडब्ल्यूडी, पीपुल विद डिसेबिलिटी शेल नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस, यानी किसी भी सूरत में इनको न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो जस्टिस सिस्टम है, जिससे न्याय मिलता है, अगर कोई डिसेबल चाहे तो वो न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकता है, क्लियर। ये पहला प्रिंसिपल हुआ। जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं वो इसको ध्यान दें, इस तरह से पूछा जा सकता है। चार चीजें पूछेंगे कि भैया जो 10 प्रिंसिपल गाइडलाइन हुई उसमें इनमें से क्या नहीं है, या इनमें से क्या पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फैसिलिटीज एंड सर्विस मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल, हर सुविधा हर चीज उनको कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए, पूरी तरह से मिलनी चाहिए, क्लियर। यस एक 10 पॉइंट आप देख लीजिएगा अपने आप से, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे आपको। देखो, ये 10 पॉइंट है, बस आपको इसको एक एक बार ही पढ़ लीजिएगा। ऐसे बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम 4 अक्टूबर को है, शायद 4 अक्टूबर को देने जा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट, अगर आपका टारगेट 2021 या उसके बाद है, तो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। आप देखिए, आगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भारत में डिसेबिलिटी को लेके कौन कौन से लॉ है। तो याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। कब एडॉप्ट किया गया था, 2006 में। तो पूछेंगे क्वेश्चन कि भैया यूनाइटेड नेशन ने पीपल विद डिसेबिलिटी से राइट वाला कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया है, तो क्या आंसर होगा, 2006 में। इंडिया ने कब इसको साइन किया, 2007। कब भारत ने साइन किया, 2007 में, ठीक है। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन अक्टूबर 2007। क्या इतने बच्चे जुड़े हैं, उसमें से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। कोई सर बताएगा रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, अभी मैं दिखाता हूं आपको समझिए। आप जरा मुझे एक बात बताओ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है, अगर किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाते हैं, तो कितने लोग जाते हैं। या आपने ऐसे देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, एक इधर पीएम बैठे, इंडियन पीएम, और इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट,
और इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे साइन कर लिया या एक डील साइन कर ली, क्या ये डील साइन करते ही वैलिड हो जाती है? तो आंसर होता है नो। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट साइन कर लेते हैं तो डील वैलिड नहीं है। इसको पार्लियामेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी। जो भारतीय पार्लियामेंट है उसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी। अप्रूव करने का मतलब है पास करेगी। अगर कोई इंटरनेशनल डील या कोई इंटरनेशनल संधि समझौता पार्लियामेंट साइन करता है, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, तो हम बोलते हैं रेटिफिकेशन करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 251 इंटरनेशनल ट्रीटी के रेटिफिकेशन के बारे में बताता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता देश पर तब लागू होगा जब उसे पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी। पॉइंट क्लियर हुआ? साइन करना यस एक अलग चीज है और अनुसमर्थन करना या रेटिफिकेशन करना एक अलग चीज है। क्लियर? सर, चलो, वेरी गुड। तो इसको हमने बोला, तो भारत ने UNPCRD UNCRPD को कब रेटिफाई किया? अक्टूबर 2017, सॉरी 2007 में। क्लियर हो गया पॉइंट? ये पूछ सकते हैं कि UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज को भारत ने कब साइन किया? तो इसका आंसर है अक्टूबर 2007 में। क्लियर?